लोकसभा चुनावों के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में घमासान जारी है और ये घमासान अब इतना बढ़ चुका है कि अब ये मामला राहुल गांधी के दरबार में पहुंच गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस मामले को राहुल तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस नेताओं के बीच मचे घमासान का मामला अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दरबार में पहुंच चुका है और वहीं सुलझेगा। कांग्रेस विधायक जयतीर्थ दहिया ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर पर कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत पहले ही राहुल को भेज दी है। अब तंवर गुट की तरफ से भी राहुल दरबार में अपनी बात रखी जाएगी। इसके लिए जहां तंवर समर्थक जिला स्तर पर हुड्डा समर्थकों के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं, वहीं पार्टी के कुछ बड़े नेता तंवर के समर्थन में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तंवर खुद भी कई दिनों से दिल्ली में है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उन्हें गत मंगलवार को 15 गुरुद्वारा राखबंगज रोड स्थित पार्टी के वार रूम में हुई बैठक का ब्यौरा दे रहे हैं। आज जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई दिल्ली में अपने समर्थकों के बीच हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने गुरुग्राम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई है। फिलहाल तंवर की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनेगी, मगर माना जा रहा है कि तंवर इसमें पूर्व सीएम हुड्डा और उनके समर्थकों के सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब भी देंगे।